आप तन्हाई में, रात की तन्हाई में, तारीकी में उठे और आपने दो रकात नमाज पढ़ी, किसी ने नहीं देखा। आपको मालूम है उस नमाज की कितनी कद्र व कीमत है? इसलिए भी कद्र व कीमत है कि आपने सबकी नज़र से छुपा के सिर्फ उसके सामने अमल अंजाम दिया। जो इस कायनात का खालिक है, उस तन्हा उस एक अमल का अजर व सवाब कितना है। और ये जो अमल है ये मुतमस्सिल होगा, ये मुजस्सम होगा, और इसका इस्तिनसाख हो रहा है, इस्तिनसाख नुस्खा तैयार हो रहा है। और जब आखिरत में, बरज़ख में और आखिरत में हम जाएंगे तो हम तन्हा नहीं होंगे, हमारे साथ हमारे नेक आमाल की पूरी फौज होगी। खुदा करे कि सिर्फ नेक आमाल की फौज हो इंशाअल्लाह। बहरहाल ये बहस दकीक है।